नमस्कार। तो दूसरी पहर का वक्त हो चुका है और जब दूसरी पहर का वक्त होता है तब हम बात करते हैं विधानसभाओं की, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल मुहैने पर खड़े हैं, दहलीज पर खड़े हैं, दरवाजों पर खड़े हैं। 10 मार्च को मतपेटियां खुलेंगी और किस्मत के ताले कई नेताओं के खुलेंगे, लेकिन उससे पहले किस नेता का बोलबाला है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर विधानसभा का निरीक्षण करते हैं, एक एक विधानसभा की जानकारियां जुटाते हैं, मुहैया करते हैं और आप तक उपलब्ध कराने का काम करते हैं। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की एक और विधानसभा जिसकी हम बातचीत करेंगे, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, और उस विधानसभा का नाम है खलीलाबाद विधानसभा। जी हाँ, ये वही खलीलाबाद विधानसभा है जो संत कबीर नगर के अंतर्गत आती है। जी हाँ, ये वही विधानसभा है जिसमें संत कबीर की निर्माण स्थली जो है वो मौजूद है, मतलब जो वो मगर में मौजूद है, और मगर जो है वो खलीलाबाद विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। तो इस वजह से खलीलाबाद की जो ख्याति है वो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी काफी प्रसिद्ध है। काफी जगहों से लोग यहाँ आते भी हैं, घूमने भी आते हैं। आपको बता दें, थोड़ा सा ऊपरी जो पहलू है उसके बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि संत कबीर ने दरअसल एक मिथ्या को तोड़ने के लिए, एक अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी सांसें मगर में ली थी। एक ख्याति है, एक चर्चा है, काफी आम है कि काशी में अगर शाम होती है तो इसका मतलब यह है कि अगर काशी में आपकी मृत्यु होती है तो आपको स्वर्ग मिलता है, लेकिन अगर मगर में आपकी मृत्यु होती है तो नरक मिलता है। बस इसी माइंडसेट को तोड़ने के लिए, इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए संत कबीर ने अपना आखिरी वक्त जो था, आखिरी लम्हे जो थे, आखिरी जो सांसें थी वो मगर में ली थी। मगर खलीलाबाद के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में इस वजह से मगर फेमस है और वहां पर संत कबीर की निर्माण स्थली भी है। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए आज भी, आपको बता दूं कि मगर में संत कबीर की समाधि भी है और मजार भी है, दोनों चीजें हैं। अब आते हैं चुनावी पहलू पे। तो चुनावी पहलू की हम बात करें तो सियासत यहां पर थोड़ी सी ना चटपटी है। चटपटी इसलिए है क्योंकि मसाला थोड़ा सा ज्यादा लग गया यहां पर। मसाला ज्यादा इसलिए लग गया क्योंकि जो वर्तमान बीजेपी से विधायक है, नाम है दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे साहब। तो दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे साहब ने 12 दिसंबर को, बीती जो 12 दिसंबर है इसको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी से विधायक थे, 2017 में बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बीती 12 दिसंबर को वो समाजवादी हो चले हैं, तो भाजपाई से अब समाजवादी हो गए हैं। लेकिन क्यों हुए हैं इसके पीछे एक गुणागणित ये भी बताता है कि 2002 से लेकर आज तक संत कबीर नगर की खलीलाबाद जो विधानसभा है वहां की जनता ने किसी भी विधायक को रिपीट नहीं किया, मतलब कोई भी विधायक वहां पर दो पारियां नहीं खेल सका। एक पारी खेली, दूसरी पारी किसी और के नाम, तीसरी पारी किसी और के नाम। तो इस वजह से शायद उन्होंने भाप लिया हो, कुछ भी हो, अपना आंतरिक सर्वे भी हो सकता है। तो दिग्विजय नारायण साहब जो हैं वो 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते थे और 2022 के चुनावों में वो पूरी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में होंगे। तो क्या इस बार ये जो माइंडसेट है, जो गुणागणित है, जो सियासी गुणागणित है, क्या बीजेपी इसको तोड़ने जा रही है, क्या बीजेपी यहां पर एक बार फिर रिपीट करने जा रही है, या फिर जो बीजेपी से जीते विधायक साहब थे अब वो समाजवादी हो चले हैं, तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे जो संवाददाता साहब हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 20% खलीलाबाद विधानसभा में 20% बसावट है। बसावट मतलब जहां पर घर बने हुए हैं, बस्तियां हैं, कॉलोनी हैं, सोसाइटी हैं, बाकी 80% कृषि से संबंधित वहां पर जमीन जो है वो है। साथ ही साथ आमी नदी की बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है खलीलाबाद की। जब आप ऊपरी जब बातें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आमी नदी की जो बाढ़ आती है हर वर्ष, वो यहां पर कृषि से जुड़े जो लोग हैं उनको बड़ा परेशान करती है। बाढ़ की वजह से खेती बहुत प्रभावित होती है यहां पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कताई मिल। कताई मिल बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके साथ ही साथ मगर सूती मिल लंबे समय से बंद पड़ी है, ये भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर प्रतिनिधि बात करता है कि जैसे ही वो पावर में आएगा वो मिलों को चालू कराएगा, मिलों को लेकर काम करेगा, लेकिन आज तक जैसा मुझको फीड मिली है आज तक ऐसा कोई काम हुआ नहीं। विजुअल्स के जरिए हम थोड़ा सा आपको दर्शन करा देते हैं, डिजिटल दर्शन कराते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, संत कबीर नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसको अब सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे जमीनी रिपोर्टर साहब, हमारे संवाददाता हैं जो आपको
बड़ा जमीनी ज्ञान बताएंगे, जमीनी सर्वे उनका क्या कुछ कहता है। 24 घंटे तो खलीलाबाद की खबरों से घिरे रहते हैं, तो खलीलाबाद का इस समय जो चुनावी मौसम है, जो सियासी मूड है, वो क्या कुछ है, इसको बताने के लिए हमारे साथ शशांक यादव जुड़ेंगे, और हो सके तो एक दर्शक को भी लाइव लीजिएगा, उनको भी जोड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम शशांक यादव की ओर रुख करेंगे। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ठीक, और आपका भी स्वागत है, आपसे नाम भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले शशांक जी, बड़ी दिलचस्प सीट है ये, इसके बारे में तो काफी सुना हमने, खलीलाबाद की ख्याति तो संत कबीर नगर क्या कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में फेमस है, काफी फेमस है, और यहाँ के विधायक जी ने तो और फेमस कर दिया इसको। 2017 में बीजेपी के टिकट से जीते और भाजपाई थे, और भाजपाई भाजपाई करते करते कब समाजवादी हो गए पता ही नहीं चला, हमको तो आज पता चला। चलिए, तो शशांक जी, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ऊपरी ऊपरी, अंदर डीप में भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ऊपरी ऊपरी बातचीत करते हैं, क्योंकि आप, चूंकि आप काफी खबरों से जूझते रहते हैं, खलीलाबाद की संपूर्ण जो राजनीति वहां पर किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से कदम ताल कर रही है, आपको उसकी बहुत करीबी समझ है, तो उस समझ के हिसाब से जरा ये बताइएगा कि खलीलाबाद का चुनावी मौसम, चुनावी माहौल इस वक्त क्या कुछ कह रहा है, सियासी ताप क्या है वहां पर? जी, पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में जब चुनाव हुए तो यहाँ की जनता ने तीनों सीट पे, यहाँ तीन विधानसभा सीटें हैं, खलीलाबाद, मेहदावल और धनगटा। मेहदावल जो है यहाँ से सुचिता कृपलानी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यहीं से वो जीत के गई थी। तो यहाँ की जनता ने बीजेपी को तीनों सीटों पे विजय दिलाई, और जनता की मांग थी कि यहाँ बंद पड़ी चीनी मिल सबसे बड़ी समस्या जो है, नंबर एक सबसे बड़ी समस्या थी चीनी मिल जो बंद पड़ी है बहुत दिनों से, उसको चालू कराया जाए। दूसरा, यहाँ पे बस अड्डे की मांग है जो बहुत दिनों से वो भी नहीं हो पाया है, उसकी मांग थी। और तीसरा, यहाँ मगहर है, यहाँ पे संत कबीर नगर जी के कबीर साहब की समाधि है, तो उनकी जो समाधि है वहाँ पे बंद पड़ी ये कताई मिल और सूती मिल, जैसा आपने भी कहा। तो ये तीन प्रमुख मुद्दे थे, और बाकी सड़कें भी यहाँ की जो है बहुत जर्जर हो चुकी है। यहाँ शहर में एक अंडरपास की मांग थी, रेलवे अंडरपास की मांग थी, जिससे व्यापारियों का बहुत भला हो जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इस सरकार से बहुत उम्मीदी थी, जनता नाराज है और जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि यहाँ से एक मंत्री भी थे श्रीराम चौहान, जो राज्य मंत्री थे बीजेपी के, धनगटा विधानसभा से चुन के आते हैं। धनगटा विधानसभा में एक ऐतिहासिक मार्ग है, राम जानकी मार्ग, कहा जाता है कि भगवान राम की बारात इसी रास्ते में थी। तो उसकी मांग थी जनता द्वारा कि इसको अच्छे से बनवाया जाए, लेकिन यहाँ के मंत्री जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जनता में खासा आक्रोश है और जनता खासी नाराज है बीजेपी के नेताओं से। ऐसी उम्मीद है कि वो ऐसी ऐतिहासिक जमीन पर, ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर भी जनता को नाराज करने का काम किया गया। चलिए, ये एक और चीज जानना चाहेंगे हम शशांक जी आपसे, कि जो विधायक जी हैं दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे साहब, मैंने एक चीज देखी और आपने भी इसको समझा होगा कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो लोग ज्यादातर ये कहते हमें दिख जाते हैं कि प्रदेश सरकार तो फिर भी चलो हम खुश हैं, योगी जी से चलो हम ठीक है, योगी जी ठीक है, लेकिन वर्तमान विधायक जो है, स्थानीय विधायक जो है, उनसे खासा नाराज है लोग, हर जगह कह रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ऐसा, ऐसी नाराजगी, ठीक है हालांकि वो अभी समाजवादी पार्टी में, लेकिन फिर भी जय चौबे के साथ है स्थानीय लेवल पर। जी, जहां तक जय चौबे की बात है तो 2017 में बीजेपी की टिकट पे वो चुनाव जीते, वो विधायक बने, उन्होंने जनता ने जो उनसे मांग रखी थी, मेन जनता का मुद्दा था यहाँ पे बस स्टेशन और यहाँ की सूती मिल, ये जो बंद पड़ी है चीनी मिल, ये चालू कराने के लिए इन्होंने दोनों काम नहीं करवा पाए। अब क्या सही है क्या गलत ये तो वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये आरोप मढ़ा सरकार पे कि उन्होंने इसकी मांग रखी थी विधानसभा में, लेकिन मुख्यमंत्री ने और ये बीजेपी मींस इन्होंने मतलब इसकी बात को तवज्जो नहीं दिया, इस पे कोई काम नहीं किया, इसलिए ये नाराज होके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए। लेकिन इन्होंने बीते पंचायत चुनाव में यहाँ पे सपा की अंदरूनी मदद की थी, यहाँ से अपने आदमी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया समाजवादी पार्टी से, और अच्छा इसी से तभी से मनमुटाव होने लगा। जी, तभी से मनमुटाव होने लगा और इन्होंने, इनको लग गया कि अब हमारा टिकट नहीं होगा बीजेपी से, इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। कुशल तिवारी जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं यहाँ से, हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं, उनके बेटे ये विनय शंकर तिवारी जो दोपहर से मौजूदा विधायक हैं, इन दोनों लोग के साथ इन्होंने 12 दिसंबर को, जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मतलब 12 दिसंबर को सदस्यता ली थी, लेकिन उससे पहले ही जो अंगोछा था वो भाजपा ही था, लेकिन कभी कदार टोपी भी लगा रहे थे। हाँ हाँ, कह सकते हैं आप कि इन्होंने, लेकिन हाँ ये बड़ा आपने दिलचस्प बताया मुझे, ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे सुनने में, क्योंकि जब बड़े जो नेता हैं, जो बड़े नेता जो काफी विधायकों को लेकर इधर से दल बदल करते हैं, तो उनकी स्क्रिप्ट एक सेम होती है कि दलित, पिछड़े, वंचित, केवट, मल्ला, ओबीसी, बेरोजगार, इनका सम्मान नहीं हुआ, इनके लिए काम नहीं हुआ, इसलिए हमने पाला बदल लिया।
तो हालांकि यहाँ के विधायक जी की थोड़ी सी स्पीच जो थी वो अलग थी कि मिलों को लेकर काम नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए चलो हम जा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जरा अपना नाम बताइएगा। महाराज स्क्रीन की तरफ ध्यान केंद्रित करिए और नाम बताइएगा। हाँ मेरा नाम शिवेंद्र है। हाँ शिवेंद्र जी, हमारा और आपका नाम काफी मिलता जुलता है, हमारा नाम कावेंद्र है। तो शिवेंद्र जी धन्यवाद जी। शिवेंद्र जी ये बताइएगा कि आप आम दर्शक के तौर पर जुड़े हैं, सबसे पहले तो आपको एक वार्निंग देते हैं, रेड वार्निंग, कि किसी भी पार्टी का पक्ष ना लेते हुए आप ये बताइएगा कि जनता किस मुद्दे को समझ रही है, किन मुद्दों पर जनता खलीलाबाद विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि जनता भी चुनाव लड़ती है, नेता नहीं लड़ते, जनता भी दरअसल लड़ती है। तो इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं जमीनी स्तर पर, आप अगर उनको समझ रहे हो, क्योंकि आप क्या है ना कि आप बाहर भी निकलते हैं, चाय की दुकान पर भी जिस तरीके की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, उसको भी समझते होंगे, आप जिस काम में होंगे उस पर भी आप देखते होंगे कि लोग किस तरफ, रुझान किस तरफ है लोगों का, तो उसको देखते हुए जनता क्या सोच रही है? हाँ सर, जनता क्या सोच रही है, क्या माहौल लग रहा है आपको, क्योंकि आप उस विधानसभा के रहवासी, उधर निवासी हैं आप, तो उस विधानसभा में क्या जनता सोच रही है, किस तरफ का माहौल है? सर जनता का माहौल पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि जनता एकदम नाराज हो चुकी है भाजपा वालों से, क्योंकि संत कवि नगर में कोई विकास का काम हुआ नहीं है। तो वो तो विकास का काम फिर ये विधायक जी रहे ना, इन्होंने नहीं करवा पाया। जी सर यहाँ पे तीन विधायक हैं और मंत्री जी भी, और उसके बावजूद भी यहाँ कोई काम हो नहीं रहा है। यहाँ पे सब सड़कें जर्जर है, चीनी मिल बंद है, बेरोजगारी बहुत है। ये बताइए शिवेंद्र जी कि अगर जय चौबे साहब जो है समाजवादी पार्टी से टिकट पर अगर चुनावी मैदान में आ जाते हैं खलीलाबाद में, सपा से अगर लड़ते हैं तो मौका देंगे? जी सर देखिए, अब जनता के ऊपर है किसको चुनेंगे। आप भी जनता है महाराज, आप भी जनता है, एक एक वोट से तो घड़ा भरता है, एक वोट से तो मायावती जी ने एक वोट का गड़बड़ झाला कर दिया था, उधर सरकार गिर गई, आप भी एक वोट है। जी बताइए तो क्या लगता है? वैसे तो सर ये भी विधायक रहे 5 साल, इनका भी कुछ कार्य दिखा नहीं है, और इन्होंने ये आरोप लगाया कि हमने सरकार से ये आग्रह किया था कि मेल कताई मिल और ये जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, बस अड्डा बनवाने की बात कही थी, लेकिन ये कोई काम नहीं हुआ है। 2002 से लगातार खलीलाबाद की अगर मैं बात करूं तो जनता लगातार विधायकों को बदलती आ रही है, कभी रिपीट तो किसी को करने नहीं दिया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने ये जो मील जो मुद्दा है, क्योंकि खलीलाबाद की और संत कबीर नगर की बात करते हैं तो मील का मुद्दा ज्यादा आता है, तो इस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या है, इच्छा शक्ति की कमी है या कुछ और अड़चन है, रुकावट है कुछ और ही? अब सर अब इसके बारे में क्या बताया जाए, यहाँ पे एक भालचंद जी थे, स्वर्गीय भालचंद यादव जी जो यहाँ MP थे, सर आज जो भी है संत कबीर नगर जिले में सब उन्हीं की देन है और किसी की देन नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है, और जिला बनवाया, जिला कारागार, सब कुछ जो भी अभी तक उन्होंने किया वो अपने बल पे किया है। ठीक है, रिपोर्टर साहब क्या कह रही है, उन्हीं की देन है सब, ये लोग केवल अपने और अपने। जी सर मैं इनसे सहमत हूँ, भालचंद जी की देन। थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए, थोड़ा सा विस्तार करिए क्या है। जी सर, स्वर्गीय भालचंद यादव यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो पहले यहाँ से जनप्रतिनिधि जो 2 बार लगातार लोकसभा पहुंचे। किस वक्त की बात है, किस वक्त? एक बार सर, एक बार ये 1999 में, 1999 से 2004 तक ये थे। बहुत पुराने चले गए, बहुत पुराने, तब तो JP साहब भी देखे हमने, लोहिया साहब भी देखे, वो तो बहुत पुराना दौर था जब जो समाजवादी थे वो सच में समाजवादी थे, जो भाजपाई थे वो सच में भाजपाई थे, विचारधारा हुआ करती थी, आजकल तो विचारधारा जेब में लेकर घूमते हैं नेता लोग। चलिए एक और चीज मैं जानना चाह रहा था शशांक जी आपसे, कि कुछ पैमाने हैं जिनका आकलन करना बहुत जरूरी होता है, आवश्यकता होती है, हालांकि विधायक जी तो खुद ही पासा पलट दिए, तो अब क्या ही उनसे पूछें, क्या ही उनका रिपोर्ट कार्ड जारी करें, रिपोर्ट कार्ड चलो हम अपने पास ही रख लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, बेरोजगारी हुई, इसको लेकर 2017 वाला खलीलाबाद और 2022 वाला खलीलाबाद कितना अलग है, कुछ अलग है? सर मेरे हिसाब से देखिए कोई बदलाव नहीं है, क्या है वो स्वास्थ्य की बात हुई या शिक्षा की बात हुई, तो स्वास्थ्य में मामले में सर यहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल चले जाएंगे तो बिल्कुल जर्जर है, एम्बुलेंस आप देखेंगे तो वैसे ही एम्बुलेंस पड़ी पड़ रही है, जो समाजवादी गवर्नमेंट में जो एम्बुलेंस इन्होंने मतलब लागू की थी कि आम जनमानस की मदद की, एक फोन पे पहुंच जाती थी, तो आप देखेंगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जर्जर पड़ी हुई है, एम्बुलेंस सड़ रही है ऐसे ही,
और यहाँ पे उनकी सैलरी जब एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे उनकी जो चालक थे उनकी जब सैलरी रोक दी गई और ये प्राइवेट हॉस्पिटल की जा रही थी एम्बुलेंस, यहाँ पे उन्होंने मतलब धरना दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग जो है एकदम पूरा जर्जर हो चुका है। यहाँ पे शिक्षा की बात करें तो बहुत दिनों से यहाँ मतलब मांग चल रही है एक मेडिकल कॉलेज की, लेकिन उसके बारे में तीन विधायक हुए, एक मंत्री भी थे, सांसद भी यहाँ बीजेपी के ही हैं, प्रवीण निषाद जो संजय निषाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के उनके लड़के हैं, तो इस पे उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती सर इस और ये मामले पर। हमारे साहब, ये हमारे डायरेक्टर साहब क्या कूड़ा कचरा दिखा रहे हो ऊपर, ये क्या है, ये कहाँ की तस्वीर है, ये सर यही खलीलाबाद की तस्वीर है ये क्या है, कोई जी, गंदगी अंदगी तो खलीलाबाद खाने वाला की। नहीं है, क्या समस्या है इधर कि हड़ताल पे चले गए? नहीं सर ये सर हड़ताल पे इस पे जनता ने मांग की है, लेकिन क्या है वो खलीलाबाद के चेयरमैन हो या विधायक उनके कहाँ पे कान पे बिल्कुल भी जरा भी जू नहीं रेंगती है, ऐसे ही कूड़े पड़े रहते हैं सर, कोई सफाई के नाम पे जीरो मतलब काम जीरो है यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर पूरा खलीलाबाद ही आप बता दें तो जर्जर स्थिति में ही है। विधायक जी ने जी 5 साल सर बिल्कुल मतलब पूरी तरह दिसंबर से पहले तक सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करवाया है। जी सर जी सर ठीक है, तो शिवेंद्र जी यहाँ पे सर आप करते क्या हैं सबसे पहले? सर मैं एक स्टूडेंट। स्टूडेंट, अरे बड़ी अच्छी बात की आपने, स्टूडेंट है आप, छात्र है मतलब, तो छात्रों के लिए जी सर युवाओं के लिए आप सबसे पहले, तो मैं सरकार के प्रदेश लेवल से स्टेट लेवल पर ही पूछना चाहूंगा कि छात्रों के लिए युवाओं के लिए क्या हुआ है? युवा बड़े परेशान है, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। सर युवा तो बहुत परेशान है, अभी आप देख रहे हैं प्रयागराज में एक कैसे लाठी डंडा से उनको पीटा जा रहा है, बेरोजगार सब है, पढ़े लिख के क्या करेंगे सर, कोई नौकरी नहीं दी जा रही उन लोगों को। तो लाठी तो दे रहे हैं ना, हाँ सर लाठी देखेंगे, इसीलिए तो बदनाम हो रहे हैं। हाँ इसलिए बदलाव होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछूंगा कि जब युवाओं और छात्रों की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले शिक्षा माफिया ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं, हमने शिक्षा को लेकर काफी काम किया है, तो उसको लेकर क्या समझ रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ अभी भी वैसा ही है, पहले जैसा हाल है, शिक्षा माफियों का यहाँ दबदबा है और कुछ नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा कोरोना काल की भी हम बात करते चलते हैं। कोरोना काल के दरमियान, बिल्कुल सच बताइएगा शिवेंद्र जी, कोरोना काल के दरमियान जो विधायक जी थे उनका कोई सपोर्ट वगैरह मिला है? अगर आपकी रिश्तेदारी में, दूर दराज में, अड़ोस पड़ोस में किसी को अगर समस्या हुई है तो विधायक जी ने कुछ पर्सनल एफर्ट डाला है? प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, विधायक जी ने पर्सनल एफर्ट कुछ डाला है? सर इस पूरे कोरोना काल में अगर कोई भी अगर आगे आया है पॉलिटिशियन में, तो समाजवादी पार्टी के लोग आए हैं, आगे बढ़कर हिस्सा लिए हैं, गरीबों को राशन दिए हैं और तमाम चीजें मदद किए हैं। भाजपा ने कुछ आप देखे लिए हैं, अभी देखिए इन लोगों की रैली निकल रही है, खाली बस भेज रहे हैं रैलियों में, वहां गरीब आदमी लॉकडाउन पैदल चल के आ रहा था, कुछ लोग मर गए थे वहां पे, बस ये लोग नहीं चलवा पा रहे थे। तो समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता आपको ठीक लग रहा है? सर अभी तो यहाँ पे कोई प्रत्याशी घोषित ही नहीं है संत कबीरनगर जिले में। हाँ मतलब नहीं, अगर ये हमारे दिग्विजय नारायण साहब हैं खलीलाबाद से, इनको अगर टिकट मिल जाता है तो वोट जाएगा? सर ये टिकट पा जाएंगे तो कुछ वोट इनको मिलेगा, ब्राह्मणों का भी मिलेगा और कुछ पार्टी का भी वोट मिलेगा, और बाकी तो इनका व्यक्तित्व है, तो व्यवहार जैसा होगा फिर आदमी जनता देखेगी वोट करेगी फिर। अच्छा मतलब काम नहीं किया पिछली पार्टी में, लेकिन इस पार्टी में आएंगे तो फायदा फिर भी मिलेगा? हाँ सर मिलेगा, लेकिन जनता इनसे भी नाराज है, इनसे जनता नाराज चाह है रही कि है नहीं है? जो पुराने कार्यकर्ता संघर्ष किए उनको टिकट मिला जाए, कोई बाहरी और नए को ना टिकट। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने कि बाहरी जो पैराशूट से आते हैं उनको टिकट ना मिले। जी सर। ठीक है, सर पुराना हाँ आदमी कार्यकर्ता जो है लाठी खाता, मुकदमे झेलता, जेल जाता है, नहीं बिल्कुल, और नए देखिए लोग इस आके बात को, मांगने अगर आते इस बात को हैं। अगर मैं एक्सटेंड करूं, और शशांक जी भी इससे मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सिर्फ खलीलाबाद या संत कबीर नगर की बात नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश और भारत की बात करूं, जो जमीनी जी कार्यकर्ता है जीवन भर संघर्ष करता है, 20-25 साल तक संघर्ष करता है, और 20-25 साल के संघर्ष के बाद वो अचानक देखता है कि कोई फलाना फिल्म स्टार है बॉलीवुड मुंबई का, वो अचानक से आकर पैराशूट से आया और पार्टी ने उसको आपकी विधानसभा से टिकट दे दिया, तो कैसा जी महसूस करेंगे? ठगा हुआ ही महसूस करेंगे ना? जी सर जी सर बिल्कुल यही है। तो अब मैं अपने पीसीआर से और अनुरोध करूंगा कि अगर कुछ लोग जुड़ रहे हो तो उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और शशांक जी अब ये जानेंगे कि जी ठीक है दिग्विजय नारायण साहब उर्फ चौबे साहब जो हैं, इनको तो हम समझ गए, जय चौबे साहब, इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं जो यहाँ पर ताकतवर हैं, दमदारी के साथ हैं, जो आपको लग रहा है कि चुनावी जो इधर उधर का गेम होता है वो बजा सकते हैं?
सर जैसा मैंने आप बताया, यहाँ से पूर्व सांसद भालचंद यादव थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, सर उनके बेटे हैं सुबोध चंद यादव, जिन जो काफी लोकप्रिय हैं यहाँ पे जनता के बीच में। आप ये पूरे विधानसभा में खलिया विधानसभा से वो भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका टिकट फाइनल नहीं है कि वो बीजेपी से आएंगे या समाजवादी पार्टी से आएंगे, अभी कंफर्म नहीं है। यहाँ से सिर्फ एक ही पार्टी का अभी तक कैंडिडेट फाइनल हुआ है, आफताब आलम गुड्डू, जो कि गोरखपुर के पिपराज कौन सी विधानसभा पार्टी के का? रहने वाले हैं, एक सेकंड, कौन सी पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, बसपा का। अब जी, यहाँ मायावती से जी सिर्फ तो, वही मायावती जी तो कैंडिडेट एक्टिव फील होगा नजर नहीं आ रही, बसपा का क्या समझ रहा है, बसपा का क्या माहौल है? सर। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से सुबोध चंद यादव को पहले प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया 2 साल तक। उसके बाद सर यहाँ पे जैसा कि 2017 बीजेपी में एम ए बदनाम है चौधरी साहब, कि एम ए चौधरी साहब शायद सेकंड नंबर पे रहते। जी सर, जी सर, मसूर आलम चौधरी, हाँ, इस बार क्या देख रहे हैं, इस बार है 56 हजार बसपा का वोट पाए कुछ? थे। नहीं सर, बसपा का कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे ये माइनॉरिटी ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, मुस्लिम वोटर ज्यादा है यहाँ पे, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है मुस्लिम ये, बाहुल क्षेत्र है। तो इसलिए जी सर, तो आफताब आलम गुड्डू को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, इस साथ में कि वो मुस्लिम है और मुस्लिमों को रिझाने में कामयाब रहेंगे और एक सीट निकाल सकते हैं। लेकिन सर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जनता जान चुकी है कि ये बाहरी है, इसलिए इनका विरोध चल रहा है। और बहुत और यहाँ से सर जनता कह रही है कि सुबोध चंद यादव एक है प्रत्याशी, वो अगर आते अच्छा, हैं, उनको जनता ये मांग कर रही है कि किसी भी पार्टी से आएंगे तो उनको ही वोट हाँ देगा, ठीक तो है, चर्चा है। ठीक है, बीजेपी के जो विधायक साहब थे वो तो अब समाजवादी हो गए हैं, अंगोछा उतार दिया, तो जी ये किसके, अब कौन बनने वाला है, बीजेपी से कौन लड़ सकता है, क्या बातचीत चल रही है? सर, बीजेपी से जो चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ पे एक है जो चर्चा चल रही थी बीच में कि गोरखपुर से जो इस समय विधायक मौजूदा विधायक राधा मोहन अग्रवाल, तो चर्चाएं ये भी हैं कि वो भी टिकट पा सकते हैं, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी से, तो हो सकता है बीजेपी यहाँ से उनको लड़ाए, क्योंकि जैसे कि वो अग्रवाल समाज से आते हैं और डॉक्टर भी हैं, तो बीजेपी इनको यहाँ से प्रत्याशी बना सकती है, जो कि चर्चाएं यहाँ पे हो रही हैं। और यहाँ से सर बीजेपी से अंकुर राज तिवारी हैं, जो कि शिक्षा व्यवसाय व्यवसाय हैं, और वैभव चतुर्वेदी है, उनका भी शिक्षा व्यवसाय है, अच्छा, जातियों स्कूल का, कॉलेजों के मालिक जाति है दोनों जाति लोग। धर्म जो फैक्टर है, मतलब मैं, हम लोग तो बड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं शशांक जी, हम और आप, मतलब उत्तर प्रदेश जी और बिहार के चुनावों में अगर किसी इंसान से नाम पूछ लें तो जाति पहले बता देता है, नाम बाद में बताता है, ठीक है, तो जी ऐसे सर, में ये इसमें कोई दोहरा बताइए नहीं। यहाँ पर जाति धर्म का क्या फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, उसके बाद जो जातियाँ हैं भी हिंदुओं में जो हैं वो ठाकुर हुए, ब्राह्मण हुए, जाट, केवट, मल्ला, निषाद, ये सब हैं, लेकिन जो आप नाम जी बता सर, रहे हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं, वो आप एक ब्राह्मण चेहरा बता रहे हैं, एक अन्य बता रहे हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम जी वोटर किस ओर जा सकता है? सर, मुस्लिम वोटर जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम वोटर कभी एक पक्ष पे नहीं रहा, मुस्लिम वोटर हमेशा बटा हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे यहाँ पीस पार्टी भी लड़ती है, यहाँ से पूर्व विधायक थे 2012 में डॉक्टर अयूब, जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब तो सर बीजेपी विरोधी ऐसे ही। पार्टियां जो हैं मुस्लिम वोटों का यहां पर बंदर बांट करती हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया आपने, लेकिन समय जो है वो पाबंदियों का साथ आता है, गुलाम है क्योंकि समय तो, और हम इसके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ शिवेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे खलीलाबाद विधानसभा की। खलीलाबाद विधानसभा की जब चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम याद आता है संत कबीर की निर्माण स्थली का, संत कबीर की निर्माण स्थली और गंगा जमुनी तहजीब का, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर संत कबीर साहब की मज़ार भी है और समाधि भी है, और बस यही बात है कि मुस्लिम बाहुल ये इलाका कभी भी एक तरफा, मतलब मुस्लिम वोटर जो है वो एक तरफा कभी वोट नहीं देता, वो हर बार अपना सिक्का, अपने पहलू बदलता रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी विधायक रिपीट नहीं करता, और बीजेपी भी 2017 में अच्छे खासे मतों के साथ यहाँ पर विधायक चुनती है और प्रदेश में तो खैर सरकार बनाती ही बनाती है। 2022 में क्या कुछ होना है ये तो सब 10 मार्च को मतपेटियाँ खुद तय कर लेंगी, लेकिन उससे पहले डिजिटल रूप से एक माहौल क्या है उसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। कल एक बार फिर 2 बजे का वक्त होगा, हम फिर हाजिर होंगे, एक नई विधानसभा होगी, एक नए विधायक का रिपोर्ट कार्ड होगा, जनता होगी और हम होंगे, और फिर चर्चा करेंगे एक और नई विधानसभा की। तब तक के लिए शुक्रिया।